हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज की डेट है ट्वेंटी मार्च एंड ट्वेंटी मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं ट्वेंटी फर्स्ट मार्च के साथ साथ हम ट्वेंटी मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर को भी यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं नाइनटीन मार्च का जो द हिंदू न्यूज़पेपर था तो इसका डेली एडिशन जो था वो यहाँ पे पब्लिश नहीं हुआ था इसीलिए हमने उस दिन पे द हिंदू एनालिसिस से सेशन नहीं लिया था लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नाइनटीन्थ मार्च को डेली एडिशन ही पब्लिश नहीं हुआ बाकी सारे एडिशन पब्लिश हुए थे तो जो नाइनटीन्थ की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज होगी जो थी वो हम यहाँ पे कल यानी कि ट्वेंटी

आगे बात करते हैं सिर्फ 76 डेज बचे हैं हमारे प्रीलिम्स में इसीलिए बिना टाइम गवाए हमको एकदम जुट जाना है अपनी तैयारी में और देखो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आपको स्मार्ट वर्क करना है ठीक है स्मार्ट वर्क देखो हार्ड वर्क हर सीरियस करता है, लेकिन स्मार्ट वर्क ही आपको एज दिलाएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया ठीक है पॉलिटी हो गया एनवायरमेंट हो गया ये जो है ये आपको एक एज दिला सकते हैं तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो ठीक है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और आपकी प्रैक्टिस के लिए एक चीज और है हम यहाँ पे वीकली टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं ठीक है तो आप अगर चाहो तो आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो तो जितना भी हम डेली द दे हिंदू एनालिसिस लेते हैं वीक भर में उसका एंड में वीक के एंड में यानी कि हर संडे को यहाँ पे हम एक वीकली लाइव टेस्ट सेशन रखते हैं तो अगर आपने वो टेस्ट अटेम्प्ट किया है बहुत अच्छी बात है नहीं किया है तो अभी अटेम्प्ट कर लेना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ओके आज के टॉपिक्स देख लेते हैं देखो जीएस वन में ज्योग्राफी में हम देखेंगे साइक्लोन आसानी के बारे में फिर इंडिया इन आर्कटिक के बारे में देखेंगे जीएस टू में हम इंटरनेशनल रिलेशन में देखेंगे इंडो जापान इन्वेस्टमेंट के बारे में रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में देखेंगे रशिया के बैंक लॉ के बारे में देखेंगे पॉलिटी में हम देखेंगे राइट टू एक्सपेल फॉरिनर्स गवर्नेंस में हम देखेंगे एनपीपीए का रोल क्या है एनपीपीए क्या है यहाँ पे नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी ओके जीएस थ्री में हम देखेंगे एनवायरमेंट में गोल्डन लैंगूर के बारे में फिर उसके अलावा वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी के बारे में देखेंगे एक नई टेक्निक है अफ्रीकन बोमा टेक्निक इसके बारे में देखेंगे स्पॉटेड डियर के बारे में देखेंगे अफ्रीकन चीता के बारे में देखेंगे एंड सिक्योरिटी में हम देखेंगे रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में जीएस में वी हैव नथिंग फॉर टुडे सो आज आर्टिकल्स बहुत सारे हैं और हम सभी को अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे क्योंकि ये सारे ही आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे यूपीएससी प्रिलिम्स और मेन्स के लिए ओके okay, तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ तो देखो रशिया जो है रशिया यूक्रेन वॉर जो है अब फोर्थ वीक में आ चुका है ठीक है फोर्थ वीक में आ चुका है अपने लगभग लगभग इसके पंद्रह बीस दिन से ऊपर हो चुके हैं ठीक है थीके? इस पूरे आ, यू, यू, यूक्रेन और रशिया के वॉर को अब यहाँ पे रशिया ने ये दावा किया है ये कल की न्यूज है रशिया ने ये दावा किया है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक हाइपरसोनिक मिसाइल स्ट्राइक करवाई है ठीक है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल जहां तक समझ में आ पा रहा है उस ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका नाम है किंजल ठीक है रशिया की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है ये ठीक है तो ये जो है सबसे ज्यादा एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम मिसाइल है जिसका तोड़ यूक्रेन के साथ साथ यूएस वगैरह किसी भी वेस्टर्न कंट्री के पास उतना अच्छा नहीं है ठीक है तो यहाँ पे ये हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया ने गिराई है कहाँ पे यूक्रेन के ऊपर और अब देखो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में तो ये देखो ये जो सोनिक वर्ड है सोनिक वर्ड किसको सिग्निफाई कर रहा है इसकी स्पीड को सिग्निफाई कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे सोनिक वर्ड जो है स्पीड को सिग्निफाई करता है और इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मैक नंबर ठीक है तो मैक नंबर इज द यूनिट ऑफ स्पीड हियर ओके और ये स्पीड जो है ये साउंड की स्पीड के साथ स्टैंडर्डाइज करके इसको uh, समझा जाता है ठीक है जैसे कि मैं बात करूं मैक नंबर की तो यहाँ पे मैक नंबर कितना होगा दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट स्पीड एंड द स्पीड ऑफ साउंड मतलब कि मान लो कि यहाँ पे कोई ये प्लेन है कोई एयरक्राफ्ट है जिसकी स्पीड जो है साउंड की स्पीड के इक्वल है ठीक है यहाँ पे साउंड की स्पीड के इक्वल इसकी स्पीड है तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसकी स्पीड वन मैक है ठीक है इसको हम ट्रांसोनिक इक्विपमेंट बोलेंगे या ट्रांसोनिक एयरक्राफ्ट बोलेंगे ठीक है यहाँ पे सुपरसोनिक क्या होता है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट वो होता है जिसकी स्पीड वन मैक्स से ज्यादा होती है यानी कि जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है उसको हम सुपरसोनिक कहते हैं एक मैक्स से ज्यादा होनी चाहिए हाइपरसोनिक वो वो uh, system, वो मिसाइल या एयरक्राफ्ट सिस्टम सिस्टम होता है जिसकी स्पीड पांच मैक्स से ज्यादा होती है यानी कि ये पांच गुना साउंड की स्पीड से पांच गुना तेजी से चलता है और इसी के साथ सबसोनिक मिसाइल्स भी होते हैं जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम होती है ठीक है तो ये सोनिक क्या है हाइपरसोनिक क्या है सबसोनिक क्या है आई होप आपको समझ

और राइट right? और इसके अलावा ये देखो ये, ये, okay? तो ये थोड़ा सा आप इसकी, जो है, उनका याद रखना है पूछ लिया, सुमी कहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूक्रेन में है अभी जो यहाँ पे अटैक हुआ है वो हुआ है मारियो पोल पे देखो इस तरह की यहाँ पे बिल्डिंग्स की हालत हो गई है ठीक है इतनी जर्जर हो गई है यहाँ की बिल्डिंग्स की हालत यूक्रेन वॉज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ यूरोप ठीक है जब यूरोपियन यूनियन टूटा था ओके okay, 1990s के आसपास जब यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन नहीं सॉरी यहाँ पे यूरोपियन यूनियन नहीं सोवियत रशिया सोवियत रशिया यूनियन जब टूटा था 1990s के आसपास तो उस समय पे यहाँ पे छोटी छोटी कंट्रीज बनी थी उसमें सबसे बड़ी कंट्री रशिया थी उसके बाद यूक्रेन थी ठीक है यूक्रेन सेकंड नंबर पे आती थी डेवलप्ड कंट्रीज में यहाँ की सोवियत रशिया से जो टूटी कंट्रीज थी उनमें तो यहाँ पे देखो उसकी उस कंट्री की हालत आज की डेट में इस तरह की है और जो मिसाइल की हम बात कर रहे थे ये हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल जो हम बात कर रहे थे इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देख लो तो यहाँ पे जो डिटेल्स है ये बताया गया कि 10 मैक से ज्यादा इसकी स्पीड है ठीक है 10 मैक 10 है मैक यानी कि साउंड की स्पीड स्पीड से से गुना ज्यादा इसकी यहाँ पे ये न्यूक्लियर वेपन गिराने के लिए कैपेबल के है परमाणु बम गिरा सकती है इसकी जो कैपेबिलिटी है जो रेंज है वो लगभग टू किलोमीटर तक की कि इसकी रेंज है जो की काफी बड़ी रेंज होती है ठीक है और एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम के भी बाहर पकड़ के बाहर है ठीक है मतलब इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता रेडार सिस्टम से भी और right, अब देखो यहाँ पे इसी के एडवांसमेंट uh, में आगे आज एक डेवलपमेंट हुआ है इसी न्यूज में देखिए आज की न्यूज है ये कि मारियोपोल स्कूल शेल्टरिंग 400 हंड्रेड बॉम्ब तो कल जो रशिया ने दावा किया था हमने यहाँ पे एक हाइपरसोनिक मिसाइल गिराई है तो यहाँ पे यूक्रेन का ये दावा है कि यहाँ पे एक स्कूल था इस स्कूल में लगभग 400 बच्चे 400 लोग 400 लोगों ने शेल्टर लिया था ठीक है जो वगैरह से से बमबारी बचने के लिए 400 लोगों ने शेल्टर लिया था और इसी स्कूल के ऊपर यहाँ पे ये यह मिसाइल गिरी है तो सोचो कितना ज्यादा पे सिविलियन का लॉस हुआ है ठीक है तो ये एक बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि लोकेशन कौन कौन सी है दूसरी चीज ये याद रखनी है कि सेकेंड टाइम हुआ है जहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन वेपन यूज हुए हैं यूक्रेन में ठीक है नॉर्मल कन्वेंशनल वेपन नहीं है ये नेक्स्ट जनरेशन वेपन है पहली चीज ये दूसरी चीज ये कि किंजल स्कीम जो किंजल हाइपरसोनिक किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि किसकी कि 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 मिसाइल है तो ये याद रखना किसकी मिसाइल है रशिया की मिसाइल है ओके अच्छा यहाँ पे जो यू एन है यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल और यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी जो है इसने बताया है कि यहाँ पे लगभग 10 मिलियन लोगों ने यहाँ पे अभी तक लगभग ये 25 परसेंट होते हैं यूक्रेन की पॉपुलेशन के तो ये लोग अभी तक यहाँ से भाग चुके हैं ठीक है यहाँ पे बचने के लिए इस बमबारी से और राइट आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की स्टडी रिवील्स मेजर डिक्लाइन इन गोल्डन लैंगूर हैबिटेट तो यहाँ पे ये जो न्यूज है ये बता रही है कि यहाँ पे जो गोल्डन लैंगूर देखो ये इस तरह का बंदर जैसा एक स्पीशी होता है गोल्डन लैंगूर ठीक है यहाँ पे इसका फर जो है गोल्डन कलर का है फेस इसका एकदम ब्लैक कलर का रहता है ठीक है तो इसीलिए इसको गोल्डन लैंगूर कहा जाता है इनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बहुत डिक्लाइन हो रही है तो पहले हम देखते हैं गोल्डन लैंगूर के बारे में फिर हम बात करेंगे इसके इशू के बारे में न्यूज के बारे में तो सबसे पहली चीज देखो ये एंडेंजर्ड एक एनिमल है ठीक है एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है आई स्टेटस के अब आप सभी को पता होगा कि आई में टोटल नौ कैटेगरीज है नाइन कैटेगरी है जिसमें स्पीशीज को अलग अलग अवेलेबिलिटी के हिसाब से डाला जाता है तो इसमें एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है गोल्डन लैंगूर इसको शेड्यूल वन में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 का ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन शेड्यूल वन वाले एनिमल्स को मिलता है और इसी शेड्यूल वन में रखा गया है गोल्डन लैंगूर को उसके अलावा साइट्स के अपेंडिक्स वन में भी इसको रखा गया है इसके कैरेक्ट्रिस्टिक्स की बात करें तो इसकी बहुत लंबी टेल होती है ब्लैक फेस होता है ठीक है और इसका जो फर है वो भी चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सीजन ओके ज्योग्राफिकल स्प्रेड की बात करें तो देखो ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ में मिलता है मानस रिवर के ईस्ट में मिलता है मतलब बेसिकली आसाम और अरुणाचल वाले रीजन में ये ज्यादा मिलता है ठीक है इसके अलावा चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आसाम में वो पहली इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है जिसमें गोल्डन लैंगोर इज द प्राइमरी स्पीशी ठीक है तो ये याद रखना कि यहाँ पे ये आसाम के रीजन के आसपास मिलता है ब्रह्मपुत्रा मानस रिवर के पास में यहां पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है जिसका नाम है चक्रशिला ठीक है जिसमें कि प्राइमरी स्पीशी गोल्डन लैंगूर ही होगा ठीक है तो ये इंडिया की पहली ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ओके अब देखो न्यूज की बात कर लेते हैं तो देखो न्यूज ये कह रही है कि जो गोल्डन लैंग्वर है इसका हैबिटेट जो है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता जा रहा है और यहाँ पे ये जो डिस्ट्रॉय हो रहा है हैबिटेट ये किस किस रीजन के बीच में हो रहा है ये हो रहा है इंडिया और भूटान में ठीक है तो देखो इंडिया और भूटान में ही मेजरली गोल्डन लैंग्वर मिलता है और इन्ही रीजन में इसका जो हैबिटेट है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता जा रहा है अब ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज ऑफ फर्स्ट थिंग इज यहाँ पे डिफॉरस्टेशन बहुत हो रहा है ठीक है डिफोरेस्टेशन बहुत हो रहा है और इसके

कोशिशें कर रही है कि इनको बचाया जाए लेकिन फिर भी जो मैन के जो ह्यूमन जो का ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स के कारण जो हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो, हो, हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है है ठीक तो ये याद रखना है यहाँ पे देखो एक दो फॉरेस्ट uh, रिजर्व के नाम बताए गए हैं जैसे कि एक रिजर्व uh, फॉरेस्ट है आसाम में ठीक है वहां पे ये अभी लोकेटेड है और आसाम के जो बाकी सारे रीजन है वहां पे ये लोकेटेड है तो इसके बारे में न्यूज थी कि हैबिटेट डिस्ट्रॉय इसका हो रहा है ओके इसका हैबिटेट कहाँ पे है कहां पे ये मिलता है कौन सी कैटेगरी है थोड़ा सा याद रखना आगे बात करते हैं इंडिया होप्स टू पुट डाउन रूट्स इन आर्कटिक सो इंडिया ने यहाँ पे एक अपनी पॉलिसी यहाँ पे बताई है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ जो है यहाँ पे अपनी एक नई पॉलिसी लेके आया है जिसको बोल रहे हैं हम आर्कटिक पॉलिसी ऑफ इंडिया ठीक है तो इंडिया इसमें अस्पायर कर रहा है कि हम यहाँ पे आर्कटिक रीजन जो है हमारा उसमें हम इंडिया की जो प्रेजेंस है उसको पर्मनेंट कर दें ठीक है इसमें रिसर्च की सैटेलाइट की जो प्रेजेंस सैटेलाइट रिसर्च वगैरह के लिए जो हम प्रेजेंस हमने बढ़ाई है आर्कटिक रीजन में उसको हम पर्मांट कर दें इसकी कोशिश हम कर रहे हैं ठीक है तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं आर्कटिक रीजन का है तो देखो ये है हमारा नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल में यह है आर्कटिक ओशन आर्कटिक क्वेश्चन के आसपास कुछ कुछ कंट्रीज हैं ये पूरा आर्कटिक रीजन बनता है जो ये गोलाब दिख रहा है ना आपको सर्कल इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज आ रही हैं जितना भी लैंड पोर्शन आ रहा है वो आर्कटिक रीजन में आता है ठीक है तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं देखो रशिया है फिनलैंड है स्वीडन है नॉर्वे है आइसलैंड है ग्रीनलैंड या डेनमार्क है कनाडा है ठीक है और यहाँ पे देखो ये अलास्का रीजन है ठीक है यहाँ पे ये अलास्का है यूएस का तो ये जो सभी कंट्रीज है ना यही सब मिलके आर्कटिक काउंसिल भी बनाती हैं ठीक है थीके? ये आर्कटिक काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं ठीक है थीके? इसके अलावा आर्कटिक काउंसिल जो है इस ये जो आर्कटिक काउंसिल जैसे नाम से पता चल रहा है ये आर्कटिक रीजन के डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करती है तो ये जो आर्कटिक काउंसिल है इसमें एक तो पर्मानेंट मेंबर्स तो ये हो गए जितनी भी कंट्रीज यहाँ पे आ रही है और साथ में कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं और इन ऑब्जर्वर स्टेट में इंडिया भी एक ऑब्जर्वर स्टेट है ठीक है तो इंडिया इज वन ऑफ द थर्टीन ऑब्जर्व ऑब्जर्वर स्टेट्स ऑफ आर्कटिक काउंसिल

तीसरा है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट चौथा है ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी पांचवा है गवर्नेंस और छठा है नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग तो ये सब इन छह पिलर्स के ऊपर काम करेगी हमारी आर्टिक पॉलिसी ओके तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना अब देखो न्यूज में ये है कि आर्टिक पॉलिसी जो हमने नई लाई है उसके थ्रू हम यहाँ पे ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे परमानेंट बेस एक बना लें आर्टिक रीजन में अभी हमारा सिर्फ एक रीजन एक यहाँ पे बेस है जिसका नाम है हिमादरी हिमाद्री हमारा सिंगल स्टेशन है आर्टिक रीजन में जिसमें कि जो भी रिसर्चर्स वगैरह रहते हैं वो 180 डेज तक यहाँ पे काम कर पाते हैं ठीक है और यहाँ पे हम एक आइस ब्रेकर भी ले रहे हैं रिसर्च वेसल जिसके थ्रू हम यहाँ पे कंटिन्यूअसली काम कर पाए और राइट अब देखो यहाँ पे आठ नेशन है जैसा कि मैंने बताया आर्टिक काउंसिल में कौन कौन से कनाडा डेनमार्क फिनलैंड नॉर्वे आइसलैंड रशिया स्वीडन और यूएस ओके okay, जिन जिनकी टेरिटरी पड़ती है आर्टिक रीजन में और राइट अच्छा देखो 2007 में घुसा है ठीक है, है यहाँ पे लगभग ट्वेंटी थ्री बेसिस ट्वेंटी थ्री एक्टिव प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन है हेमादरी ये टू थाउजेंड एट से फंक्शनल हुआ है इन द आर्टिक रीजन ओके ये याद रखना है आपको राइट right, और अभी जो है इंडिया यहाँ पे अपनी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है वो सब बढ़ाने की कोशिश कर रहा है देखो आर्कटिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है पहला तो आर्कटिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑयल वगैरह जो ऑयल है मिनरल रिसोर्स है उनकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दूसरा यहाँ पे रिसर्च वगैरह जो है प्रॉपरली हो सकती है हमारा जो रिसर्च है उसको यहाँ पे एक एज मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस आर्कटिक रीजन ठीक है इसके साथ साथ आर्कटिक जो है हमारे मानसून को भी काफी मानसून को हमारे इंडिया के वेदर को भी काफी अफेक्ट करता है इसीलिए भी आर्कटिक रीजन के ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और, तो ये है और एक देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है सी लेवल राइज हो रहा है उसको यहां पे रोकने के लिए एड्रेस करने के लिए भी हमको रिसर्च वगैरह की जरूरत है इसीलिए हम आर्टिक में ज्यादा प्रेजेंस चाहते हैं, okay, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा इशू है सन फार्माज एक्सपांशन प्रोजेक्ट नियर तमिलनाडु बर्ड सेंचुरी गेट्स अ ग्रीन नोट तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है सन फार्मा ये एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की कंपनी है जिसने ये बोला है कि यहाँ पे एक प्लांट लगाना चाहते हैं कहाँ पे तमिलनाडु की बर्ड सेंचुरी के पास में इस बर्ड सेंचुरी जो है इस बर्ड सेंचुरी का नाम है वेदांतंगल वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी ठीक है ये बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है तमिलनाडु में है अब ये आर्टिकल मैंने मैंने मेनली रखा था ये आपको बताने के लिए कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है विद्यांगल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है ये आपको याद रहे ना देखो ये जो सन फार्मा जो कंपनी है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है अभी एनजीटी से अप्रूवल बचा हुआ है एनजीटी क्या है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो कि जितने भी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज हैं वो यहाँ से भी मिलने होते हैं ये एनजीटी कैसे बनी है दो के एनजीटी एक्ट के थ्रू बनी है ठीक इसी है इसीलिए एक स्टेचुटरी बॉडी है ठीक है स्टेचुटरी बॉडी कौन सी होती है वो बॉडीज जो की किसी पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू बनी हो ओके अच्छा जो यहाँ पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला है उसमें ये कहा गया है कि यहाँ पे जो ये सन फार्मा कंपनी है वो पे कोई भी ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर नहीं करेगी जो कि बैंड हो किसी भी ऐसे रॉ मटेरियल का यूज नहीं करेगी जो बैंड है ठीक है तो कुल मिला बस ये कहा गया है तमिलनाडु बर्ड सेंचुरी के बारे में जिसका नाम है वेदांतंगल तो देखो यहाँ पे मैं आपके लिए मैप लेकर आई हूँ यहाँ ये देखो ये ऊपर ये दिख रही है ये है वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी ठीक है इसके पास में और भी चीजें देखो चेन्नई के बहुत पास में पड़ती है विधान थल बर्ड सेंचुरी उसके साथ साथ यहाँ पे देखो जूलॉजिकल पार्क भी है अन्ना जूलॉजिकल पार्क है एक गुनीडी नेशनल पार्क है यहाँ पे फिर यहाँ पे देखो ये मुकुर्थी नेशनल पार्क है मधुमुलाई सेंचुरी और नेशनल पार्क है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है फिर यहाँ पे देखो वराम मलाई सेंचुरी है पॉइंट सेंचुरी है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है यहाँ पे उसके अलावा श्री विली पुथुर ये एक सेंचुरी है कल्ला कड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उसके अलावा वल्ला नाड़ू ब्लैक बर्ग सेंचुरी है तो देखो ये सब मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जाती है बहुत ज्यादा यूपीएससी प्रीलिम्स में ठीक है सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या ये नेशनल पार्क ये कौन से स्टेट में आता है तो याद रखना वेदांतंगल कहाँ पे आता है तमिलनाडु में आता है बाकी इस रीजन के मुकुर्थी गल्फ ऑफ मन्नार ये कुछ कुछ है जो इम्पोर्टेंट है याद रखना ओके आगे बात करते हैं सेंटर हैज राइट टू एक्सपेल फॉरेनर्स तो देखो कुल मिला ये पूरा इशू क्या है इशू ये है कि कुछ फॉरेनर्स हैं कुछ फॉरेनर्स हमारे देश में रह रहे हैं ठीक है जो यहाँ पे प्रॉपर वीजा पासपोर्ट के साथ आए थे इनका वीजा एक्सपायर हो गया है और इनके ऊपर कुछ कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं ठीक है अब ये जो वीजा एक्सपायर हो गया इन्होंने वीजा के जो कंडीशन थी इसको वायलेट किया है ऐसी सब चीजें की है ना ये फॉरिनर्स जो है इनको इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेल करना चाहती है इंडिया से क्योंकि आपने वीजा का जो कंडीशन थी उसको वायलेट किया है ये फॉरेनर्स चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास ये कहते हुए कि भैया ये तो हमारा राइट ऑफ फॉरिनर्स भी तो है कुछ आपके फंडामेंटल राइट

दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट ने यह कही है कि इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए किस तरह से यहाँ पे एक लॉ हमको फ्रेम करना है उसमें आप हमको आपकी मदद चाहिए ये कहा है गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को तो ये किस तरह का लॉ चाहिए तो यहाँ पे ये लॉ जो है ये इस तरह का लॉ बनाना चाहती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये बनाना चाहती है कि कौन कौन से राइट्स रहेंगे फॉरनर्स के अगर ये वायलेशन करते हैं वीजा का वीजा कंडीशन का तो यहाँ पे ये राइट हो जो गवर्नमेंट है उसके पास कि

फॉर right तो ये जो केस था सिक्सटी सेवन ईयर्स ओल्ड केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसका हवाला दिया है और ये कहा है कि सेंटर के पास एब्सोल्यूट पावर्स है कि यहाँ पे फॉरिनर्स को एक्सपेल कर सकते हैं अगर वो अपनी विजा कंडीशन को वायलेट करते हैं तो ओके okay, बट यहाँ पे ये भी चीज ऐड की गई है कि फॉरेन नेशनल के पास कुछ बेसिक राइट्स हैं जिनको आप उनको डिप्राइव नहीं कर सकते जैसे कि आर्टिकल 21 जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी की बात करता है और आर्टिकल 21 फॉरेनर्स और इंडियन सिटीजन दोनों के पास अवेलेबल होना चाहिए ओके okay, तो ये सब बात यहाँ पे की गई है राइट तो यहाँ पे देखो सेवन जज बेंच जो थी मेनका गांधी का गांधी केस में इसकी भी बात की गई है कि यहाँ पे लॉ का मतलब क्या है लॉ का मतलब यहाँ पे जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उसकी बात कर रहे हैं ठीक है आगे बात करते हैं देखो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है तो देखो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिटीजन्स के पास हैं और कौन से ऐसे हैं जो फॉरेनर्स के लिए भी हैं तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं कुल मिला के कहाँ से कहाँ तक हैं ट्वेल्व टू थर्टी फाइव थर्टी फाइव तक लगभग ऐसे हैं ये ठीक है तो यहाँ पे देखो जो फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन्स के पास हैं वो कौन कौन से फिफ्टीन सिक्सटीन नाइनटीन ट्वेंटी नाइन और थर्टी ये पांच आर्टिकल याद रख लो तो याद रह जाएगा कि ये जो पांच आर्टिकल हैं सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं ये पांच फंडामेंटल राइट्स जो है सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं तो फिफ्टीन जो है बात करता है कि यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ दूसरा सिक्सटीन जो है ये बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल नाइनटीन बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन की असेंबली की एसोसिएशन की मूवमेंट की आर्टिकल ट्वेंटी नाइन बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर की माइनॉरिटीज के राइट्स की बात करता है आर्टिकल थर्टी भी माइनॉरिटी के राइट्स की बात करता है यहाँ पे ठीक है तो ये पांच ही हैं जो सिटीजन्स के लिए हैं सिर्फ बाकी सारे सभी के लिए हैं तो आर्टिकल फोर्टीन क्या है इक्वालिटी का है आर्टिकल ट्वेंटी क्या है यहाँ पे प्रोटेक्शन है इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ट्वेंटी है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ट्वेंटी ए है राइट टू एजुकेशन ट्वेंटी जो है ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ट्वेंटी है ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट फोर्स लेबर के अगेंस्ट 24 है चाइल्ड किसके किसके right से रिलेटेड है ठीक है तो ये याद रखना कौन कौन से आर्टिकल सिर्फ सिटीजन के लिए है फिफ्टीन है सिक्सटीन है नाइनटीन है ट्वेंटी नाइन है और थर्टी ये पांच ही है जो सिर्फ सिटीजन के लिए है ओके okay? बाकी सब सभी के लिए है और राइट right? तो आर्टिकल थर्टी टू भी जो है, आर्टिकल, आर्टिकल 32 जो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल का आर्टिकल ये भी फॉरेनर्स के पास है फॉरेनर्स जो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारा ये ये फंडामेंटल राइट right आपके देश में वायलेट हो रहा है ठीक है जैसे कि अभी गए नहीं है सो so, आगे बात करते हैं इंडिया जापान से टारगेट फॉर फोर्टी टू बिलियन इन्वेस्टमेंट तो देखो इंडिया जापान के बीच में कुछ चीजें हैं ठीक है थेके? जैसे कि देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि जापान ने ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोजल दिया है जापान ने बोला है हम यहाँ पे पांच ट्रिलियन येन पांच ट्रिलियन येन यहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में ये पांच ट्रिलियन येन लगभग ये बिलियन डॉलर बनाते हैं ठीक है तो यहाँ पे बिलियन जापान जो है अगले पांच सालों में इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है तो ये दिखाता है कि इंडिया और जापान के ट्रेड कितने अच्छे हैं ठीक है ये पहली चीज तो यहाँ पे ये दिख गई दूसरी चीज ये की यहाँ पे कुछ जियो पॉलिटिकल रिलेशन भी है देखो ये तो हमने बात करी अभी तक जो ये पांच ट्रिलियन येन या फोर्टी टू बिलियन डॉलर की हमने बात करी ये हमने बात करी इन टर्म्स ऑफ जियो इकोनॉमिक्स अब जियो पोलिटिकल चीजें भी बात कर लेते हैं तो देखो जियो पोलिटिकल चीजों की बात करें तो यहाँ पे एक बात हुई है एल की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अब देखो जापान जो है और इंडिया जो है ये दोनों ही दुखी है एक पर, पर्टिकुलर कंट्री से जिसका नाम है चाइना ठीक है तो चाइना से ये दोनों ही दुखी हैं जापान भी इंडिया भी ठीक है दोनों ही इसके नेबर्स हैं दोनों ही इससे दुखी हैं चाइना की जो वाली पॉलिसी है उससे दोनों ही परेशान हैं ऐसे में दोनों जो है मिलकर काम करते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए इनके साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम क्या है जिसका नाम है क्वाड ओके तो यहाँ पे ये सभी चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे में ही मोदी जी ने यहाँ पे बताया है जो जापान के जो ये मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर आए हैं यहाँ पे फूमियो किशिदा जी उनको ये बताया कि यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है चाइना और हम तब तक चाइना से अपने रिलेशनशिप सही नहीं कर सकते जब तक ये इस पे एस्कलेशन बंद नहीं करता लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एक्सकुलेशन बंद नहीं करता दूसरी चीज यहाँ पे एक थोड़ा सा अभी मतभेद चल रहा है जापान और इंडिया के बीच में और मोस्ट ऑफ द क्वार कंट्री

चीज है हमारे बीच में दूसरी चीज ये बोली गई है कि कोविड के टाइम पे भी जापान ने हमारी काफी हेल्प करी थी पार्टनरशिप हमारे साथ करी है इनफैक्ट अफ्रीका में भी हमने साथ में पार्टनरशिप करी है इंडिया जापान ने मिलकर तो ये काफी सारी जो चीजें हैं ये इंडिया और जापान के रिलेशन के बारे में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसको समझाती है ओके आगे बात करते हैं अफ्रीकन टेक्निक यूज टू ट्रांसलोकेट डीयर फ्रॉम किओलाद्यो नाउ ये क्या टेक्निक है देखो बेसिकली होता क्या है इसमें यहाँ पे ये बताया गया है कि एक नेशनल पार्क है ठीक है ये राजस्थान में है दोनों नेशनल पार्क है. तो देखो एक यहाँ पे नेशनल पार्क है जिसका नाम है ठीक है की एक नेशनल पार्क है दूसरा है मुकुंदरा ठीक है मुकुंदरा दूसरा नेशनल पार्क ये दोनों ही राजस्थान में बेस्ड है और ये जो दोनों नेशनल पार्क है इनके बीच में हम चाहते हैं एक कनेक्टिविटी इंश्योर करना अभी कनेक्टिविटी हम क्यों चाहते हैं देखो किओलादियों में काफी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है काफी हारे स्पॉटेड डियर्स वगैरह हैं मुकुंद्रा जो तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक टाइगर टाइगर सेंचुरी हम बना रहे हैं टाइगर रिजर्व इसको बना रहे हैं यहाँ पे कुछ टाइगर्स हम लेकर आए हैं ठीक है तो अभी टाइगर्स के लिए हमको कोई प्रे भी तो चाहिए खाएगा क्या टाइगर ठीक है हम कब तक उसको फीड कराते रहेंगे तो टाइगर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को यहाँ पे खुद से यहाँ पे प्रे एंड ऑल करने के लिए यहाँ पे टाइगर्स के लिए कुछ प्रे चाहिए लेपर्ड्स के लिए कुछ प्रे चाहिए और यहाँ पे ये जो प्रे है प्रे यानी कि शिकार जो है वो यहाँ से की हम चाह रहे हैं मुकुंद्रा में और इसके लिए हमने यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ जिसका नाम है बोमा टेक्निक ठीक है बोमा टेक्निक तो अफ्रीका की ये बोमा टेक्निक है थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं देखो ये बोमा टेक्निक क्या है बोमा टेक्निक ठीक है इसमें क्या है जैसे देखो यहाँ पे है क्यूलादियों ठीक है यहाँ पे है, यहाँ पे है मुकुंद्रा ठीक है तो किलादियों में स्पॉटेड डियर्स वगैरह जो है काफी ज्यादा काफी सारे शिकार है ठीक है लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म ऐसा है नहीं टाइगर लेपर्ट जैसा जो इनको प्रॉपरली खत्म कर, कर सके या खा सके या एक नेचुरल बैलेंस मेंटेन कर सके ठीक है अब यहाँ पे एक तो देखो यहाँ पे प्रे सरप्लस एरिया है ये ठीक है प्रे सरप्लस एरिया है मतलब शिकार यहाँ पे अच्छा खासा है और ये जो है ये प्रे डेफिशियंट एरिया है ठीक है प्रे डेफिशियंट यहाँ पे जो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है यहाँ पे टाइगर्स लेपर्ड्स की संख्या जो है ज्यादा है अब यहाँ पे इनके लिए प्रे इकट्ठा करने के लिए प्रॉपर प्रे मैनेजमेंट के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ से जो स्पॉटेड डियर्स वगैरह हैं, वो खुद ही यहाँ तक आ जाए ठीक है अब इसके लिए यहाँ पे एक कैनाल टाइप बनाई गई है जिसका नाम है इस पूरे टेक्निक का नाम है बोमा टेक्निक ना इसमें क्या होता है जैसे मान लो ये जैसे, जैसे आपको पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे क्या है इस तरह के कैनाल इस तरह के फनल टाइप के यहाँ पे इस तरह से बनाया गया है अरेंजमेंट ठीक है और ये अरेंजमेंट इस तरह के से है कि यहाँ पे जो भी एनिमल्स घूम रहे हैं जैसे मान लो स्पॉटेड डियर है तो उसको लगे कि यहाँ पे वो फॉरेस्ट में ही घूम रहा है तो आसपास इस तरह से ग्रीन कवर है नीचे ग्रीन का, ग्रास बिछाई हुई है आसपास ऐसे ट्रीज लगाई हुई है सो so दट उसको लगे की मैं नॉर्मल फॉरेस्ट में ही घूम रहा हूँ और घूमते घूमते वो इधर तक पहुंच जाए ठीक है तो यहाँ पे मुकुंद्रा तक पहुंच जाए यहाँ तक मुकुंद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व तक पहुंच जाए यहाँ की औलादियों से और यहाँ पे जाके फिर उसका शिकार हो सके टाइगर लेपर्ड जो है उनको शिकार मिल सके तो एक नेचुरल बैलेंस जो है उसको मेंटेन करने के लिए ये बोमा टेक्निक यूज की जा रही है ओके तो ये देखो यहाँ पे सेम चीज बताई गई है ये देखो ये जाते हुए दिख रहे हैं हिरण आपको तो ये स्पॉटेड डियर्स जो है यहाँ 450 किलोमीटर दूर है ठीक है दोनों जो नेशनल पार्क्स हैं आपस में 450 किलोमीटर दूर है तो ये बोमा टेक्निक यहां पे यूज की जा रही है और ये जो टेक्निक है ये कोई नई टेक्निक नहीं है इसको पहले भी यूज किया जा चुका है पहले वाइल्ड एलिफेंट्स जो है वाइल्ड एलिफेंट्स को ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए ये टेक्निक यूज की जा चुकी है पहले भी ठीक है तो ये याद रखना है आपको दूसरी चीज ये कि यहाँ पे टाइगर्स वगैरह जो है उनको प्रॉपरली सस्टेन करना चाहते हैं हम मुकुंदरा में क्योंकि वहां पे टाइगर की पॉपुलेशन जो है लेपर्ड्स की पॉपुलेशन गिरती जा रही है इसीलिए यहाँ पे ये पूरी टेक्निक यूज की जा रही है ठीक है अब यहाँ पे ये याद रखना कि जो मुकुंद्रा है इसके पास में चंबल जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पड़ती है ठीक है

रामसार साइट भी है रामसार साइट है मतलब यहाँ पे एक वेटलैंड है जो की रामसार साइट के अंतर्गत आता है दूसरी चीज ये की यहाँ पे थ्री सिक्सटी फाइव स्पीशीज है अलग अलग बर्ड्स की उसके अलावा जैकर सांभाल नीलगाय और व्हाइट कैट ये सब भी यहाँ पे मिलते हैं मैनमेड वेटलैंड है, है याद रखना है ना मैनमेड मैनमेडिज वेटलैंड है ये तो वेटलैंड कैसा है मैनमेड वेटलैंड है रामसर साइट के अंतर्गत आता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और यहाँ पे ये बोमा टेक्निक यूज हो रही है स्पॉटेड जो डियर्स हैं उसको यहाँ पे ले जाकर यहाँ मुकुंद्रा तक छोड़ने के लिए ठीक है आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आइलैंड ब्रेस फॉर साइक्लोन शिप सस्पेंडेड ओके तो देखो ये आर्टिकल जो है ये बता रहा है कि यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड में एक साइक्लोन आने की यहाँ पे अंदेशा है साइक्लोन आने की प्रोबेबिलिटी है इस साइक्लोन को नाम दिया गया है साइक्लोन असानी ठीक है साइक्लोन असानी इसका नाम दिया गया है तो पहले अंडमान निकोबार की हम लोकेशन देख लेते हैं तो ये देखो अंडमान निकोबार यहाँ पे पूरा जैसे ऐसा इंडिया आता है और यहाँ पे आता है अंडमान निकोबार इंडियन ओशियन में ठीक है तो यहाँ पे देखो अंडमान निकोबार में कौन कौन है सबसे पहले नॉर्थ अंडमान है फिर मिडिल अंडमान है फिर लोअर है और उसके बाद लिटिल अंडमान है यहाँ पे जो लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पैसेज आता है जिसको हम कहते हैं डंकन पैसेज ठीक है डंकन पैसेज कहते हैं उसके अलावा ये जो पूरा अंडमान ये अंडमान आइलैंड है ये पूरे निकोबार आइलैंड है इनके बीच में आती है यहाँ पे एक लैटीट्यूड जिसका नाम है टेन डिग्री चैनल टेन डिग्री नॉर्थ ये लैटिट्यूड है टेन डिग्री चैनल इसको हम कहते हैं निकोबार में सबसे ऊपर आता है कार निकोबार फिर आता है ये देखो काचल आइलैंड वगैरह आता है लिटिल निकोबार आता है ग्रेट निकोबार आता है ठीक है ये याद रखना पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है वो आती कहाँ पे लोअर अंडमान में आती है ठीक है ये याद रखना एक सेंटिनल आइलैंड भी अभी बहुत फेमस हुआ था ये भी थोड़ा सा याद रखना लोअर अंडमान में आता है सैडल पीक जो है ये यहाँ पे आती है नॉर्थ अंडमान में यहाँ पे नॉर्थ और मिडिल अंडमान के पास में ही एक है बैरन आइलैंड बैरन आइलैंड इंडिया का ओनली वॉल्केनिक इंडिया की ओनली एक्टिव वॉल्केनिक साइट है ठीक तो है तो ये याद रखना थोड़ा सा अब देखो यहाँ पे ये यह जो वॉल्के आया है सॉरी साइक्लोन आया है साइक्लोन आसानी इसके कारण यहाँ पे इवेकुएशन वगैरह शुरू हो गया है एनडीआरएफ यहाँ पे पहुंच चुकी है नेशनल डिजास्टर रिलीफ अः रिस्पॉन्स फोर्स है वो यहाँ पहुंच चुकी है और यहाँ पे इवेक्एशन का, का काम शुरू हो चुका है तो थोड़ा सा हम साइक्लोन के बारे में भी देख लेते हैं ये नो साइक्लॉन है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन सा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैफिकॉन के बीच में आता है इन लेटिट्यूड्स के बीच में जो भी साइक्लोन आता है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन ओके okay? हाँ ये जो ट्रॉपिकल साइक्लॉन होता है ये लो प्रेशर एरिया होता है लो प्रेशर एरिया के आसपास जो एयर सर्कुलेशन होता है उसको हम यहाँ पे कहते हैं साइक्लोन तो ये जो साइक्लोन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है ये जो साइक्लोन है इसके साथ वायलेंट विंड स्टॉम्स वगैरह भी आते हैं बैड वेदर भी आता है इसकी पांच कंडीशन है ठीक है कौन कौन सी कंडीशन है पहले से होनी चाहिए पहली कंडीशन है लार्ज सी सर्फेस टेम्परेचर तो पहले से सी सर्फेस का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होना चाहिए ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए तो बंगाल का टेम्परेचर जो है वैसे भी ज़्यादा ही रहता है यूजली अरेबियन सी से ज्यादा रहता है और बे ऑफ बंगाल की साइड पे ही ये पूरा साइक्लोन आया है दूसरा यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए ठीक है तीसरा यहाँ पे एक तो स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड में चौथा है यहाँ पे पहले से वीक लो प्रेशर एग्जिस्ट करना चाहिए पांचवा है अपर होनी चाहिए सी लेवल सिस्टम के ऊपर तो देखो थोड़ा सा प्रेशर घटा तो यहाँ पे एयर जो है वो इस तरह से अपवेल करने लगी ऊपर उठने लगी ठीक है जब एयर अपवेल करने लगी तो यहाँ पे अनस्टेबल एटमोस्फेरिक कंडीशन पैदा होने लगी यहाँ पे अनस्टेबल एटमोस्फेरिक कंडीशन पैदा होने के साथ साथ यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होने लगा ठीक है अब यहाँ की जो विंड है वो इतनी ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है कि ये कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट में आके इस तरह से गोल 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 घूमने लग जाती है ठीक है और ये गोल गोल घूमते हुए यहाँ पे यहाँ पे ये साइक्लॉन का फॉर्मेशन करती है तो ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है ठीक है सबसाइडिंग यहाँ पे देखो यहाँ साइड से सबसाइड करती है ठीक है और यहाँ जो आई है जो बीच में आई वाला जो सेंटर रहता है ये एकदम काम एरिया रहता है ठीक है आसपास पूरे बहुत उथल पुथल मची रहती है लेकिन जो एकदम सेंटर वाला रीजन है उसको हम आई कहते हैं एकदम काम रहता है यहाँ पे सेंटर में हाई प्रेशर क्योंकि बन जाता है ठीक है तो ये याद रखना ओके आगे बात करते हैं तो देखो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एफ्रिकन चीताज टू इंडिया तो यहाँ पे हो क्या रहा है हमारे देश में चीता पहले थे ठीक है जिसको हम, हम एशियाटिक हमारे देश में पहले से थे ये एशियाटिक ची 1952 के आसपास यहाँ पे हमारे देश से बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए अब ये एक्सटिंक्ट तो हो गए अब इनको वापस से रीइंट्रोड्यूस करने की हम कोशिश कर रहे हैं अब इनके रीइंट्रोडक्शन के लिए हमको दूसरे एशियाटिक चाहिए अब ये जो दूसरे एशियाटिक चीता है सिर्फ आज की डेट में ईरान में मिलते हैं ठीक है अब ईरान हमको देने के लिए तैयार नहीं है ये एशियाटिक चीता क्योंकि उनके पास भी कमी बचे हैं तो अब हम चाह रहे हैं कि अफ्रीकन चीता चीता की ही दूसरी प्रजाति है अफ्रीकन चीता ये अफ्रीकन चीता जो है ये अफ्रीका के कई सारी कंट्रीज में मिलता है नामीबिया में स्पेशली मिलता है और नामीबिया से हम यहाँ पे कुछ चीतास को अफ्रीकन चीतास को इंडिया में री इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश की कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जिसका नाम है एक का नाम है कूनो पालपुर यहाँ पे अभी बातचीत चल रही है कि कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मध्य प्रदेश की वहां पे इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा री इंट्रोड्यूस किया जाएगा ठीक है तो इसको लेकर पूरी बातचीत है तो आप ये देख सकते हो पिक्चर्स भी है ये जो इंडियन चीता एशियाटिक चीता है इनकी पहले हम बात कर लेते हैं अफ्रीकन और एशियाटिक चीता में डिफरेंस क्या है तो अफ्रीकन चीता की आयुसीएन स्टेटस वल्नरेबल है एशियाटिक चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड है साइट्स के अपेंडिक्स वन में आता है दोनों ही ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अफ्रीकन चीता जो है अभी बचे हैं सात हजार के कुछ आसपास बचे हैं अफ्रीका में लेकिन एशियाटिक चीता बहुत कम है चालीस से पचास बचे हैं सिर्फ ईरान में है आज की डेट में ठीक है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये थोड़े बड़े होते हैं अफ्रीकन चीता थोड़े बड़े होते हैं एशियाटिक चीता जो है थोड़े कम होते हैं छोटे होते हैं ठीक है साइज में उसके अलावा छोटा सिर होता है इनका बड़ी नेक होती है ज्यादा फर होता है ठीक है तो कैट लाइक अपियरेंस इनकी होती है तो देखो ये रेड आईज वाला जो है ना ये एशियाटिकीता है ये जो ब्लैक टाइप का है है ब्राउन आईज वाला वो है यहाँ पे अफ्रीकन तो हम इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ओके तो अब देखो इसको लेकर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कॉम्प्लेक्सिटीज ये हैं कि यहाँ पे पहली चीज तो कि क्या इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन था पहले इंडिया का कहां -कहां पे हैबिटेट्स है तो एशियाटिक चीता पहले काफी वाइडली मिलता था इंडिया में जैसे पंजाब से लेके तिरुवेल तक और राजस्थान से लेके बंगाल तक पूरी जगह पे मिलता था धीरे धीरे इनका जो हैबिटेट है वो रिस्ट्रिक्ट होने लगा ठीक है और रिस्ट्रिक्ट होते होते ये सिर्फ कुछ एरियाज तक सीमित रह गया जैसे जो ओपन हैबिटेट थे स्क्रब फॉरेस्ट थे ड्राई ग्रास थे यहाँ तक ये सीमित रह गया ओके और ये सेमी एरिड ओपन हैबिटेट तक अब रिस्ट्रिक्ट रह गया ईरान में अभी इसकी पॉपुलेशन बची है जहां पे ये टेरेन में फुटहिल्स में रॉकी वैलीज में रहता है ठीक है अभी ये एस्टिमेट है कि लगभग चालीस कुछ ईरान में बचे हैं एशियाटिक चीटा जो कि बहुत कम है ठीक है अब ये जो एक्सटिंक्शन है ये कैसे हो गया तो एक्सटिंक्शन वही हुआ पोचिंग हुई है ठीक है यहाँ पे हंटिंग हुई है जो राजा महाराजा थे वो हंटिंग करते थे इनको इकट्ठा करके रख लेते थे इनको यहाँ पे डोमेस्टिकेट करने की कोशिश करते थे जैसे यहाँ पे कुछ चीजें ये भी बताई हुई है कि जो अकबर अकबर द एम्पर थे उन्होंने भी लगभग बहुत सारे जो चीटा थे उनको यहाँ पे जमा करके रख लिया ठीक है लगभग छह हजार के आसपास चीता उन्होंने अपने कोर्ट में रखे हुए थे उसके अलावा टीपू सुल्तान को भी ऐसे कुछ शौक थे ठीक है टीपू सुल्तान ने भी पे कुछ चीता जो थे उनको अपने कोर्ट में इकट्ठा करके रख लिया था तो ये सारी चीजें हैं ठीक है अब हमारी जो गवर्नमेंट ये री इंट्रोडक्शन करना चाह रही है उसमें जो है कुछ चीजें जो गवर्नमेंट ने कही है एक तो ये कह रहे हैं कि हम चीता की मेटा पॉपुलेशन क्रिएट करना चाहते हैं इंडिया में टॉप क्रिडिटर के फॉर्म में ठीक है दूसरा हम यहाँ पे जो हैबिटेट है इनका उसको भी यहाँ पे सेव करना चाहते हैं इकोलॉजी को भी सेव करना चाहते हैं इनको इंट्रोड्यूस करके लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि एक तो आप अभी सिर्फ पंद्रह चीता कुछ लेकर आ रहे हो पंद्रह चार कुछ ही चीता आप लेकर आ रहे हो अः कुछ डजन चीता आप यहाँ पे लेना लेके आने वाले हो पंद्रह सालों में तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क आ नहीं जाएगा कोई इंटेंसिव एकदम मैनेजमेंट हो नहीं जाएगी ठीक है इससे कोई ऑन ग्राउंड बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ठीक है दूसरी चीज यहाँ पे ये यह कही जा रही है कि यहाँ पे अम्ब्रेला स्पीशी के फॉर्म में इसको रीइंट्रोड्यूस करना चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना है कि देखो हमारे देश में ऑलरेडी कई सारी स्पीशीज है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एंडेंजर्ड है लायंस हो गए टाइगर्स हो गए हमको इनके कंजर्वेशन के बारे में सोचना चाहिए इंस्टीड ऑफ ब्रिंगिंग और इंस्टीड ऑफ री इंट्रोड्यूसिंग दोन एक्सटिंकट फ्रॉम इंडिया की जगह हमको इनके कंजर्वेशन का सोचना चाहिए जो ऑलरेडी प्रेजेंट यहाँ पे है। दूसरी चीज ये इंडिया की जो कैपेसिटी है कार्बन की कार्बन सिक्विस्टेशन की वो एकदम कोई नहीं बढ़ जाएगी क्लाइमेट चेंज आप एकदम मिटिकेट नहीं कर दोगे चीता के आने से क्योंकि चीता को तो वैसे भी एडिड क्लाइमेट चाहिए ठीक है तो यहाँ पे आप वैसे भी कुछ ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर नहीं सकते नौ एंटीसी जो है उसने तो यहाँ पे हामी दे दी अप्रूवल दे दिया है कि हाँ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उसने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है कि हाँ, आप इसको कर सकते हो लेकिन कुछ एनवायरमेंटलिस्ट है जो इसको अपोज कर रहे हैं ठीक है तो ये पूरा आर्टिकल था के बारे में और रोल क्या है, 1997 में ये बनी है इसका काम क्या है इसका काम है जो भी मेडिसिन है उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना प्राइजेस को एक फिक्स करके ठीक है तो इनका मैंडेट ये ड्रग प्राइस ऑर्डर के अंतर्गत प्राइजेस जो है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के उनको यहाँ पे कंट्रोल

ड्रग्स होते हैं शेड्यूल्ड ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जिनकी जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा जरूरी है जैसे डायबिटीज के ड्रग्स हो गए कैंसर के ड्रग्स हो गए ये सब जो ड्रग्स हैं ये बहुत ज्यादा जो हमारी पॉपुलेशन को जरूरत है ये होते हैं शेड्यूल्ड ड्रग्स तो इनकी सीलिंग प्राइस जो है ये एनपीपीए ही डिसाइड करती है अंडर ड्रग प्रोडक्ट ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ऑफ टू थाउजेंड थर्टीन जो बाकी के नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं उनकी सीलिंग प्राइस यहाँ पे मैनुफेक्चर खुद डिसाइड कर सकते हैं तो ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं उनको हो सकता है दस परसेंट जो है प्राइजेस ज्यादा देने पड़े जो ड्रग्स और डिवाइजेज हैं उनके अंतर्गत ठीक है तो यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो बड़ा है ठीक है इन्फ्लेशन बढ़ा है और उसी के चलते यहाँ पे आठ ड्रग्स के जो प्राइजेस हैं उनको भी यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है ठीक है तो ये कुल मिला पूरी बात है अभी तक क्या होता था कि वर्ल्ड जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइजेस बढ़ते थे लेकिन जो फार्मा लॉबी है वो ये कह रही है गवर्नमेंट को कि आप यहाँ पे हर साल 10 परसेंट जो प्राइजेस है वो बढ़ाओ सो so देट हमारा भी थोड़ा मार्जिन यहाँ पे निकल सके ओके okay, तो यहाँ पे ये यह पूरा जो बात चल रही है हाइक की बात चल रही है तो ये हाइक कब कब होता है प्राइजेज में तो एक तो तब होता है जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यहाँ पे उसमें कुछ बढ़ा बढ़ोतरी या चढ़ाव वगैरह होने लगे इंडिविजुअल कंपनीज का मार्केट शेयर देखा जाता है प्रोफिटेबिलिटी देखी जाती है कंपनीज की ये सब देख के ही प्राइजेस डिसाइड होते हैं ठीक है अब मान लो बल्क ड्रग्स के प्राइजेस बढ़ रहे हैं या फिर रॉ मटेरियल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के या फ्यूल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं जैसे अभी जो है ऑयल के प्राइजेस बढ़े हुए इसी हैं इसीलिए भी के प्राइजेस जो है अच्छा दूसरी चीज ये यह, कि यहाँ पे एक चैलेंज जो हमारे सामने वो ये है कि हम अभी भी अपने जो रॉ मटेरियल है ना ड्रग्स का जैसे जिसको हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ये आज भी हम मेजरली चाइना से इंपोर्ट करते हैं ठीक है तो सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट हमारा जो एपीआई है वो चाइना से आते हैं जो कि एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्स

स्टार्ट कर रही है ठीक है तो ये जो फॉरेन कंपनी है वो यहाँ से एग्जिट करना स्टार्ट कर रही है और रशिया इससे बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है कि एक तो रशिया की इकोनॉमी के ऊपर इतने सारे ड्रॉबैक्स लग रहे हैं सैक्शन के कारण उसके अलावा जो फॉरेन कंपनी है वो भी यहाँ से जा रही है एग्जिट कर रही है तो रशिया का एक बैंकसी लॉ है ये जो बैंक लॉ है ये इन फॉरेन कंपनीज को काफी ज्यादा पनिश कर सकता है अगर ये यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करती हैं तो तो यही चीज इस आर्टिकल में बताई हुई है तो देखो जैसे यूएस का जो बैंक्रप्सी लॉ है वो क्या बोलता है कि अगर कोई कंपनी यहाँ पे बैंक हो जाती है तो उसको उल्टा हेल्प करती है यूएस की गवर्नमेंट जो है वो हेल्प हेल्प करती है उनको फ्रेश स्टार्ट करने में एक मदद करती है ठीक है लेकिन रशिया में जो बैंक लॉज हैं वो क्या करते हैं कि अगर आपकी कंपनी मान लो बैंक हो गई तो ऐसे में आपकी कंपनी जो है पहले क्रेडिटर्स का पैसा चुकाएगी तो यहाँ पे जो ज्यादा जो ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है वो क्रेडिटर्स को दी हुई है मतलब जिसने आपकी कंपनी में पैसा लगाया हुआ था आप पहले उसकी कंपनी के पैसे चुकाओ फिर जाना ठीक है तो इसलिए आपके असेट्स फ्रीज हो जाएंगे रशिया में अगर आप जा रहे हो अपनी करके अगर आप बिना लोन्स वगैरह चुकाए जा रहे हो तो आपके असेट्स फ्रीज हो जाएंगे आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो फ्रीज हो जाएगी ठीक है और दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे यूएस में जो जो बैंक है मान लो कोई बैंक हो गया कोई कंपनी बैंक हो गई या कोई एग्जिट करना चाहती है तो उसके जो आ, एसेट्स हैं वो एकदम फ्रीज नहीं होते दूसरी चीज इसको एक सिविल ऑफेंस माना जाता है लेकिन रशिया में इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है है ठीक रशिया जो है इंटरपोल तक, तो तक चली जाती है इंटरपोल क्या है एक इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 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 जो पुलिस पुलिस का नेटवर्क ठीक तो इंटरपोल तक चली जाती है रशिया की जो गवर्नमेंट है कि आप यहाँ पे हमको ये जो जो फॉरिनर कंपनी है जिसने यहाँ पे बैंकअपी डिक्लेयर करी है इसके ओनर को हमको ला दो ठीक है तो इस तरह से क्रिमिनल प्रोसीडिंग इसके ऊपर चलती है तो यहाँ पे कई सारे एलिगेशन ये भी लगते आए हैं रशिया के ऊपर की फॉरनर जो कंपनीज हैं वो यहाँ से एग्जिट करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और पॉलिटिकल फायदे उठाती है यहाँ पे रशिया की गवर्नमेंट ठीक है इनके इनसे बदला लेने ले की कोशिश करती है इस तरह के लॉस को यूज करके जैसे अभी रशिया की रूलिंग पार्टी ने भी ये प्रपोज किया है एक लेजिस्लेशन जिसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी फॉरेनर कंपनी यहाँ से एग्जिट करती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इनके असेट्स को फ्रीज कर सकती है और अपने कब्जे में ले सकती है तो ये पूरा आर्टिकल था बैंक प्रोसेस से लेकर और यहाँ पे फॉरिनर कंपनीज जो है जैसे कि एप्पल वगैरह होगी ये यह सब यहाँ से एग्जिट करना इनके लिए इतना आसान नहीं होगा ये यह चीज यहाँ पे बताई गई है ओके okay? तो आज के हमने सारे आर्टिकल्स यहाँ पे डिस्कस uh, कर लिए हैं आई होप आपको ये सारे आर्टिकल समझ में आए हो। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना कमेंट करना सब्सक्राइब करना एंड हैव अ वेरी गुड डे थैंक यू फॉर वॉचिंग